वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 3 मेरी वसीयत। इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये जो लेसन लिखा गया है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम के द्वारा लिखा गया है। आइए सीखें। अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना। क्या सीखेंगे? देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना, जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व से परिचय, विदेशी शब्दों का उच्चारण, लेखन और अर्थ जानना। इस लेसन में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, उनका उच्चारण, उनका लेखन, उनका अर्थ हम जानेंगे। उपसर्गों का प्रयोग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं ना, तो ऐसे शब्द भी इसमें आएंगे जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब हम लेसन पढ़ेंगे। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं वह उसके एक छोटे हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भारत की जनता और भाइयों और बहनों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने इनको इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया है। मोहब्बत इन्हें क्या होता है? प्यार दिया है, स्नेह दिया है कि वो इसके बदले जो भी कुछ काम करें या इसको जो भी कुछ दे वो उसका बदला नहीं कर सकता, मतलब उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन ही नहीं। और सही बात है ना, प्रेम तो अनमोल होता है, मतलब उसका कोई मोल नहीं होता है। तो यहाँ की जनता ने जितना भी प्रेम जवाहरलाल नेहरू को दिया है उसके बदले में कुछ देना मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और इसने मैं दब गया हूँ। तब को यानी क्या होता है? समूह या समुदाय या समाज। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी जाति समाज के लोग जो रहते हैं उन्होंने सबने मुझे एक समान प्यार दिया है, एक समान मुझे रखा है और उनके एहसानों के दबे में दब गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूं और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। मतलब वो आशा करते हैं, वो ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनके जो बाकी जीवन बचा हुआ है, उनकी जो जिंदगी बची हुई है, उसमें वो क्या करना चाहते हैं? देशवासियों की सेवा करना चाहते हैं और वो उनको प्रेम के काबिल बनना चाहते हैं। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। दोस्त जो रहते हैं वो बहुत नज़दीक रहते हैं ना, तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत सारे दोस्त थे जिनके एहसान उनके ऊपर बहुत थे। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया। यह तो होता ही है कि जब बड़े बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी होती है, मगर हम सब शरीक रहे कामयाबी की खुशी में और नाकामयाबी के दुख में। शरीक यानी क्या होता है? शामिल होना। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि उनके जो दोस्त थे उनके ऊपर उनके बहुत एहसान है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम एक साथ किए हैं जिनमें क्या हुआ, उनको कामयाबी भी मिली थी और नाकामयाबी भी मिली थी, पर नाकामयाबी के सुख में वो नाकामयाबी के दुख में और कामयाबी के सुख में वो हमेशा साथ रहे और मिलजुल कर काम किया। मैं चाहता हूं और सच्चे दिल से चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए। हमारी हिंदू संस्कृति में या कौन सा भी समाज हो, सबकी अपनी अपनी संस्कृति रहती है ना, अपना अपना धर्म रहता है, तो मरने के बाद सभी अपने रस्में अदा करते हैं। रस्में रहने क्या होता है? रीति रिवाज है ना, करते हैं। तो नेहरू जी चाहते थे कि मरने के बाद कोई भी रस्म अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बन जाना धोखे में पड़ना मानता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि रस्मों को वो मानते नहीं हैं, वो समझते हैं कि ये तो एक धोखा है और उसमें बन जाना हो जाता है। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, अगर विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाए। उनका मानना है कि वो कहीं भी मरे, भारत में मरे या विदेश में मरे, वहीं पर उनका क्या कर दिया जाए? दाह संस्कार कर दिया जाए। मतलब मरने के बाद ये एक रस्म रहती है जो अदा की जाती है ना।
तो वो चाहते थे कि उनको वहीं जला दिया जाए और उनकी जो अस्थियां हैं मरने के बाद जो राख बच जाती है उस राख को अस्थियां बोलते हैं ना, तो उन अस्थियों को कहाँ लाना है, इलाहाबाद भेजने का वो कह रहे थे। उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचा कर ना रखा जाए, मतलब उनकी अस्थियों का क्या क्या किया जाए उन्होंने इस लेसन में वर्णन किया है। एक मुट्ठी भर तो कहाँ डालने को बोला है, गंगा नदी में, और बड़ा हिस्सा कहाँ डालना है ये हम आगे पढ़ेंगे। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डालने की इच्छा के पीछे जहाँ तक मेरा एक ताल्लुक है कि कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। गंगा में उनकी जो अस्थियाँ डालना है उनकी ऐसी ये नहीं थी कि धार्मिक रस्म में, मतलब अधिकतर होता है कि गंगा नदी में अस्थियों को डालना बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। इसी के बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसा जैसा मैं बड़ा हुआ हूँ ये लगाव बढ़ता रहा है। उनका मानना था कि वो बचपन से ही गंगा नदी और यमुना नदी से उनका बहुत लगाव रहा था और जैसे जैसे ये बड़े होते गए उनका लगाव और बढ़ता गया। मैंने मौसमों के बदलने के साथ साथ इनमें बदलते हुए रूप को भी देखा है। उन्होंने मौसम जैसे बदलते ना उसे बदलने के साथ साथ नदियों का बदलाव भी उन्होंने देखा है। कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई युगों से इनके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई है। उनका मानना था कि इतिहास इतिहास ने हमारा पुराना इतिहास जो है, हमारी जो परंपरा है, पौराण यानी पुराणों से संबंधित जो गाथाएँ हैं, गीत हैं, कहानियाँ हैं, इन नदियों से जुड़ी हुई हैं। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जितना जनता की प्रिय गंगा जो है वो भारत की विशेष नदी है और यहाँ की जनता गंगा नदी को बहुत प्रेम करती, मतलब यहाँ यह नदी सभी की प्रिय नदी है जिससे लिपटी हुई है भारत की जातियाँ, स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय और पराजय, इसमें भारत की जनताओं की क्या लिपटी हुई है, जातियों की स्मृतियाँ लिपटी हुई हैं, आशाएँ लिपटी हुई हैं, विजय गान, विजय के जो गीत रहते हैं वो लिपटे हुए हैं, विजय लिपटी हुई है और पराजय भी लिपटी हुई है। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, गंगा नदी हमारी प्राचीन सभ्यता का नदी है, प्रतीक है, निशानी रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा रही है। गंगा नदी जो हमेशा बदलती रहती है, कभी पानी रहता है, नहीं रहता है, कभी साफ रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारी, मतलब बहुत गंदी हो चुकी थी गंगा नदी, फिर साफ हो गई है ना, तो ये क्या है, उनका रूप बदलता रहता है। वह मुझे याद दिलाती हैं कि हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की जिनसे मुझे मोहब्बत रही है, उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों को जहाँ काम करते मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है। नेहरू जी जो कह रहे हैं कि हर मौसम में गंगा को बदलते देखा है और दिन में भी वो बदलती रहती है। सुबह के समय में गंगा नदी कैसे दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए उछलते कूदते हुए दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि नदियाँ, कौन सी भी नदी हो, सुबह के समय उछलते कूदते, मतलब लहरें आती जाती रहती हैं। शाम के समय कैसी रहती है गंगा नदी, उदास, काली सी चादर ओढ़े हुए। शाम के समय सभी जो रहते हैं वो शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार नदियों का भी रहता है, तो नदी एकदम क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, तो कैसे दिखाई देती है, काली चादर ओढ़े हुए, जैसे उसने काली चादर ओढ़ रखी हो। भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ता आहिस्ता बहती सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई, और जाड़े जाड़े यानी क्या होता है, सर्दियों के समय में कैसे दिखाई देती है, आहिस्ता आहिस्ता यानी होता है धीरे धीरे बहती हुई दिखाई दे रही है। समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए यही गंगा मेरे लिए निशानी है, भारत की प्राचीनता की यादगार की जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। भले ही मैंने पुरानी रीति और रस्मों को छोड़ दिया हो और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन जंजीरों को तोड़ दे जिससे वह जकड़ा हुआ है ना, पुरानी रीति रिवाज जो थे पहले बहुत ज़्यादा थे, अब तो इतना नहीं है, तो नेहरू जी चाहते हैं कि पुरानी जो रीति रिवाज है उनको छोड़ दिया जाए, मतलब ये एक जंजीर का काम कर रहे हैं तो इस जंजीर को तोड़ दूँ, जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मतलब हमारी तरक्की को ये रोक रहे हैं, तो इन जंजीरों को, पुरानी रस्मों को तोड़ दीजिए, और देश में रहने वालों में फूट डालती हैं जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं।
अगर हम पुरानी रस्मों को मानते आते रहेंगे, मानते चले जाएंगे, तो क्या होगा, देश में फूट डलती रहेगी और आपस में लोग मिल नहीं पाएंगे, और जो शरीर और आत्मा में विकास को रोक रही है। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ। ये ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि मतलब उनकी आस्थाओं पर ठेस पहुँचाए, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए। मुझे फ़ख्र है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का जो हमारी रही और हमारी है, और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी हम सब की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ, जो कि कभी नहीं और कभी भी नहीं टूटे, और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारंभ से चला आता है। नेहरू जी कह रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो क्या है, बहुत जातियाँ, बहुत सारी संस्कृतियों का प्रतीक है, और सभी को मिलने से ही मतलब क्या बना है, भारत बना है। तो ये क्या जंजीर के रूप में काम कर रही है, और नेहरू जी भी इस जंजीर की एक कड़ी अपने आप को मानते हैं। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं इसकी बेहद कद्र करता हूँ, और इसे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। नेहरू जी जो है इसकी बहुत कद्र करते हैं हमारी संस्कृति की, उनसे उनको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि दरख्वास्त देने क्या होता है, प्रार्थना होता है, प्रार्थना या निवेदन होता है। मतलब संस्कृति को श्रद्धांजलि देने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं, मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए। उनकी भस्म जो उन्होंने बोला था कि भारत भेज दिया जाए, तो उन भस्मों का क्या किया जाए, ये यहाँ पर बताया गया है। एक मुट्ठी कहाँ डालना है, गंगा में डालना है, जिससे कि वह उस सागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए, जिससे क्या होगा, ये महासागर में पहुँच जाएगा, समुद्र में पहुँच जाएगा, जो कि हमारे हिंदुस्तान को घेरे हुए हैं। मेरी भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाए, अब आगे वो बता रहे हैं कि बाकी हिस्सा जो बचा है उसमें क्या किया जाए। मैं चाहता हूँ कि उसे हवाई जहाज में ऊपर पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है ना, यहाँ पर खेती बहुत अधिक की जाती है। तो वह कहते हैं कि मेरी जो बाकी भस्म बची हुई है उसको हवाई जहाज में ऊपर ले जाया जाए, ऊंचाई से ही सब दूर बिखेर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि यहाँ के जो खेतों में है वह जो भस्म मिल जाएगी और वह उसी में उसका अंग बन जाएगी। अब जवाहरलाल नेहरू कौन थे, उनके बारे में हम जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केवल प्रमुख नायक ही नहीं, अपितु आधुनिक युग के निर्माता भी थे। उन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एकता, कश्मीर समस्या जैसे विषयों पर चिंतन को एक नवीन दिशा दी। भारत एक खोज उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों में से सबसे विशेष कौन सी रही है, भारत एक खोज। आखिरी वसीयत उनके देश प्रेम एवं स्वतंत्र विचारों का अनुपम उदाहरण है। स्टूडेंट, अभी जो हमने लेसन पढ़ा ये इसकी वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप सभी को पता है, अपनी बुक में लिखना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है ना। पार्ट 3, मेरी वसीयत, जवाहरलाल नेहरू, शब्दार्थ, मुमकिन ने होता है संभव, एहसान ने होता है उपकार, रस्में यानी होता है रीति रिवाज या परंपरा, ताल्लुक यानी होता है संबंध, स्मृतियाँ यानी होता है यादें, दरख्वास्त यानी होता है प्रार्थना या निवेदन, आकांक्षा यानी होता है इच्छा, कीमती यानी होता है मूल्यवान, शरीक यानी होता है शामिल होना, साबित यानी होता है सिद्ध, ख्याल यानी होता है विचार, मोहब्बत यानी होता है प्यार प्रेम, फख्र यानी होता है गर्व, कद्र यानी होता है सम्मान, तबका यानी होता है वर्ग या समुदाय, कामयाबी यानी होता है सफलता, बेशुमार यानी होता है अगणित, पौराणिक यानी होता है पुराणों से संबंधित, आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे, सिलसिला होता है क्रम, और विरासत का अर्थ होता है धरोहर।
अब हम पढ़ेंगे बोध प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या क्या बातें कही हैं? उत्तर, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए कहा, बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया। जब बड़े बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी होती है, मगर हम सब शरीक रहे हुए कामयाबी के खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ख, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं? उत्तर, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है जिससे लिपटी हुई हैं भारत की जातियाँ, स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है? सुबह के समय गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है, शाम के समय उदास काली सी चादर ओढ़े हुए देखा है, और सर्दियों के समय सिमटी सी आहिस्ता आहिस्ता बहती सुंदर धारा के रूप में देखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, नेहरू जी ने कहा, मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए हैं। मेरी भस्म के बाकी हिस्से को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहां भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। भाष्याध्ययन यानी व्याकरण वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनको हमें शुद्ध उच्चारण करना है। शुद्ध उच्चारण यानी शुद्ध बोलना है और लिखना भी है। मोहब्बत, बेशुमार, एहसान, शरीक, ताल्लुक, पौराणिक, स्मृतियाँ, फक्र, उत्तराधिकार, प्रेरणा, दरख्वास्त, पुष्टि और श्रद्धांजलि। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है तथा देश में वी उपसर्ग जोड़कर विदेश शब्द बना है। इसी प्रकार हमें ना और वी उपसर्ग जोड़कर क्या बनाना है? नए शब्द बनाना है। देखिए यहाँ पे शब्द तो दे रखे हैं, सिर्फ अपने को क्या करना है? ना लगाना है। और नहा कहाँ लगता है? उपसर्ग कहाँ लगेगा? शब्द के आगे लगेगा। तो हम यहाँ नहा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ना कामयाबी, ना समझ, ना काबिल, ना बालिक और नामुमकिन। इसी प्रकार वी उपसर्ग लगाकर हमें नए शब्द बनाना है, इन शब्दों को नया करना है। जैसे विदेश, वियोग, विजय, विराग और विज्ञान। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका हमें अर्थ भी लिखना है, वाक्य बनाना है। देखिए वाक्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वाक्यों का प्रयोग हम अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, मतलब दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो यहाँ पर लिखवा है वही आपको लिखना है, ठीक है। पहला दे रखा है अस्थियाँ। अस्थियाँ यानी क्या होता है? हड्डियाँ। वाक्य प्रयोग, नेहरू जी की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया। अगला शब्द है परंपरा। परंपरा का अर्थ होता है रीति रिवाज। इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा, भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा होती है। अगला शब्द दे रखा है विजयगान, जिसका अर्थ होता है जयगान। इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा, छत्रपति शिवाजी का विजयगान पूरे भारतवर्ष में होता है। अगला शब्द दे रखा है स्मृतियाँ, जिसका अर्थ होता है यादें, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, पुरानी स्मृतियाँ हमें हमेशा याद आती हैं। यहाँ पर स्मृति लिखी हुई तो हमको यहाँ पर स्मृति ही लिखना है, ठीक है। अगला शब्द दे रखा है प्रेरणा, जिसका अर्थ होता है उत्साहित करना, है ना। इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा, शिक्षक विद्यार्थियों को सर्वोत्तम परिणाम के लिए प्रेरणा देते हैं। अगला शब्द दे रखा है उत्तराधिकार, जिसका अर्थ बनता है बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार।
मतलब मरने के बाद जो अधिकार प्राप्त होता है वो अधिकार है ना, इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा। अहिल्या बाई को होलकर राज्य उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर नहीं और न द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखें, कहीं कहीं हम नहीं का प्रयोग भी करते हैं और न का प्रयोग भी करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, परंतु ये कहाँ लगाना चाहिए ये भी हमें आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसलिए कुछ वाक्य दे रखे जिसमें हमें क्या करना है, नहीं और न का प्रयोग करना है। मैं आज सभा में नहीं जाऊँगा और न तुम्हें जाने दूंगा। अगला दे रखा है, माँ ने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया और न ही खुद बनाया। अगला है, नेहरू जी ने कहा मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। देखो, अगर अपन यहाँ नहीं लगा देंगे तो वाक्य सही नहीं बनेगा। जैसे अदा नहीं की जाए, मैं ऐसी बातों को न मानता, तो यहाँ न अर्थ सही लगेगा नहीं लगेगा, तो हमें ना दोनों को वाक्यों को पढ़कर फिर हमें न और नहीं का प्रयोग करना है ना। राजू को आज खेलने न दिया जाए क्योंकि उसने शाला का कार्य पूरा नहीं किया है, ठीक है। मतलब ये पूरा वाक्य हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें न और नहीं का प्रयोग करना है। अगला दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिप प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, क्या रही है, यमुना, गंगा, चंबल या कावेरी, तो क्या आएगा यहाँ पर, गंगा। पुराण में फिलिप प्रत्यय लगाकर पौराणिक शब्द बनता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक आएगा, ओके, है ना। अगला शब्द दे रखा है, बेशुमार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगता है ना, तो यहाँ पर देखिए शब्द में देखिए आप पहचान सकते हैं कि इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, तो क्या लगा हुआ है, शुमार में बे लगा हुआ है ना, तो बेशुमार बन गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, बे। ओके स्टूडेंट, आपकी वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।